ऑनलाइन का यही फायदा है, रिक्शा में बैठे हो, लेट हो गए तो उसमें भी देख सकते हो आप। आपकी आवाज में आसपास की आवाज आपको सुनाई दे मेरी बड़ी वो सुनते हैं, म्यूट पे डाल के बैठे रहते हैं तुम लोग, मुझे नहीं पता। चलो जी, स्क्रीन आ गई। ऑनलाइन वालों को आवाज आ रही है नहीं केशव? चलिए, हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे आज। चैप्टर होगा एनपीओ। पढ़ा है किसी ने स्कूल में अब तक? नहीं, खत्म तो हो गया लेकिन पढ़ा है। नहीं। अच्छा, स्टार्टिंग में यही इससे स्टार्ट हुआ था। चलो, मतलब नहीं पढ़ा है ना, इन शॉर्ट। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं है, नॉट टू अर्न प्रॉफिट। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता। मैं ये नहीं कह रहा कि प्रॉफिट हो नहीं सकता उन ऑर्गेनाइजेशन को, प्रॉफिट हो सकता है। If they earn, या एक सेकंड रुको, एक सेकंड, उनका मोटिव होता है इज टू प्रोवाइड सर्विसेज आइदर टू सोसाइटी और टू इट्स मेंबर्स। फॉर एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल देखो। कुछ आपको थोड़ा बहुत ही समझ आ गया होगा कि मैं एनजीओ की बात कर रहा हूँ, जिनको हम नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं, या फिर वो संस्था एनपीओ होते हैं। अच्छा, ये ऑफलाइन है ना, मैं भूल जाता हूँ, यहाँ से भी आवाज आएगी मुझे लगता है, यहाँ से आएगी, यहाँ से केशव बोलता हूँ। हाँ जी सर। और ये भाई आज की क्लास में है बस, नेक्स्ट क्लास जो है वो ऑफलाइन होगी, तो एक ही क्लास की थी, बाकी आपको ऑफलाइन आना पड़ेगा, नेक्स्ट क्लास ऑनलाइन होगी ही नहीं। तो जिसका प्लीज ध्यान रखिएगा, सर, जिसको इशू हो वो पेरेंट्स से बात करा सकता है मेरी, हालांकि मैं तब भी नहीं मानूंगा, आना तो पड़ेगा। आप सर फिर बात करवाने का क्या फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं होगा, इसीलिए कह रहा हूँ कि नेक्स्ट क्लास जो भी होगी ऑफलाइन ही होगी, सोलो ऑफलाइन होगी, ऑनलाइन का ऑप्शन नहीं होगा नो उसमें। प्रॉब्लम सर। क्यों सुनाओ भाई, तुम 1.5 साल में पहली बार तो बोले हो। नहीं सर, ये बता दो आप, क्यों सर ऑनलाइन क्यों नहीं होगी? सर, ये बताने की तो मेरी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है आपकी तरफ की, ऑनलाइन ही क्यों होगी अरे आर्यन सर, जी? क्योंकि भाई, मैं तो दूर रहता हूँ। एक बच्चा इतनी दूर रहता है, वो आते आते आगे निकल गया पता है, फिर भी आएगा ना वो, तो पहले भी आप आ रहे थे, ऐसी बात नहीं है। सर बाकी गलत आर्यन, बात आपकी अगर दिक्कत है नहीं आप मदर से बात करा दो। सर, इतनी भी ज्यादा दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, इतनी भी ज्यादा दिक्कत नहीं है ना, तो फिर आ जाना नेक्स्ट क्लास से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एनजीओ यानी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उन्हीं को एनपीओ कहा गया। बेसिक एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो सबसे अच्छा इसका एग्जांपल होता है आपके स्कूल। प्रॉफिट कमाते हैं आपके स्कूल से लगता है आपको? अरे, यस सर। गरीब से होते हैं। नहीं नहीं जो कमाते मेन हैं सर। चेयरमैन आता है वो मर्सिडीज में आ गया, जगवार में आ गया, गरीब से लोग हैं बेचारे। या इसके अलावा अगर हम बात करें हॉस्पिटल्स की, क्या कमाते हैं सर। कमाते होंगे ये हॉस्पिटल्स वाले, है ना? कुछ नहीं कमाते, मैंने देखा कई बार, गरीब लोग हैं, बीएमडब्ल्यू बीएमडब्ल्यू खड़ी रहती है वहां, छोटी मोटी गाड़ियां। लेकिन देखो, अंदर की बात हमें सबको पता है कि ये लोग पैसा कमाते हैं, अच्छा खासा कमाते हैं। जिस स्कूल में मैं पढ़ता था उसमें 4 बार इनकम टैक्स की रेड भी पड़ी थी,
अपनी गाड़ियां वो अपने दोस्तों के घर खड़ी भी करी उन्होंने एक एक महीना, कुछ तो वापस भी नहीं आई फिर। तो कमाते तो हैं, लेकिन अगर मैं थ्योरेटिकल बात करूं तो ये जो बनती हैं ट्रस्ट या सोसाइटीज बनती हैं, और इनका मोटिव सिर्फ और सिर्फ सोसाइटी को सर्विसेज प्रोवाइड करना होता है, सर्विसेज सोसाइटी को प्रोवाइड करना होता है। उसमें मैंने स्कूल और हॉस्पिटल का नाम लिया, प्रोवाइड सर्विसेज आइदर टू सोसाइटी, तो ये मैंने सोसाइटी वालों के एग्जाम्पल ले लिए। दूसरी तरफ कई बार आपने देखा होगा, नाम सुना होगा, कुछ क्लब्स बन जाते हैं आपके आसपास भी होंगे, जिम खाना क्लब हो गया, फ्रेंड्स क्लब हो गया, कुछ भी इस तरीके से हो गया। ये वो सोसाइटीज हैं जो सर्विसेज देंगे किसको, अपने मेंबर्स को, सोसाइटी को नहीं देंगी, मेंबर्स को देंगी। मोटिव इनका भी प्रॉफिट कमाना नहीं होगा। देखिए दो तरह की एनपीओ चल रही हैं, दो तरह की एनपीओ चल रही हैं, एक जो सोसाइटी को सर्विस देगी, दूसरा जो अपने मेंबर्स को सर्विस देगी। काम दोनों का यही है कि वो प्रॉफिट अर्न करना उनका मोटिव नहीं है। मैं बार बार ये बोल रहा हूं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि प्रॉफिट कमाएंगी नहीं, कमा सकती हैं, बट वो उनका मोटिव नहीं है। मोटिव क्या है, टू प्रोवाइड सर्विसेज, कि सर्विस वो किसको देंगी, सोसाइटी, या तो सोसाइटी को या फिर अपने मेंबर्स को। कुछ अच्छी ट्रस्ट भी होती हैं जो, या मैंने स्कूल लिखा हॉस्पिटल लिखा, तो जरूरी नहीं है कि सारी जो ट्रस्ट हैं या एनजीओ हैं या एनपीओ हैं वो गलत काम के लिए चल रही हैं, नहीं, कुछ अच्छी भी हैं जिनका प्रॉपर और सही तरीके से वो सोसाइटी को अपनी सर्विसेज देते हैं। तो आप यहाँ पे और एग्जाम्पल में लिख सकते हो एनजीओ। मेंबर्स बोला, उनको नहीं याद रहा होगा। नहीं बच्चे बोले सर, अभी भी सोई हुई सोलह तो सोसाइटी बोलते तो कितना सोसाइटी में सिर्फ मेंबर्स होता है सोसाइटी चलो इग्नोर कर देते हैं, गलतियां हो जाती हैं इंसानों से, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी ये ठीक है, वेरी गुड। हाँ जी, अब मैं बार बार बोल रहा था कि नॉट टू अर्न प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट होता है, इफ दे अर्न प्रॉफिट्स तो दे विल अप्लाई प्रॉफिट फॉर सोसाइटी या फिर जो भी उनके मेंबर्स हैं। घर नहीं ले जा सकते उस प्रॉफिट को, वो अपना प्रॉफिट नहीं कह सकते, जिस काम के लिए वो बनी थी उसी काम में उनको वो प्रॉफिट दोबारा लगाना पड़ेगा। एक बार प्लीज नोट कर लेंगे, कोई डाउट होगा तो बोलेंगे। चार पांच, अच्छा ये दो ही बैठे हैं बस घर पे, क्या बोल रहा है। स्क्रीन शॉट ही चल रही है क्या अभी भी, नहीं ये स्क्रीन शॉट क्यों दिया। नहीं नहीं ये भी हो सकता है, हमने कभी इतना ध्यान नहीं दिया स्क्रीन शॉट के। बड़े आगे ठीक है, अब फाइनल अकाउंट्स टू बी
प्रिपेयर्ड बाय एनपीयू। पहला रिसिप्ट एंड, थोड़ा सा मुश्किल चैप्टर है ये तो ध्यान रखना, क्योंकि आप लोगों को है, हाँ मैं वही बोलने वाला था, क्योंकि आप लोगों को कैश फ्लो मुश्किल लगा, जबकि कैश फ्लो हाँ इजी है वो। स्टार्टिंग में तो बिल्कुल अलग कंसेप्ट हो जाता है ना, वो जर्नल नहीं, लेजर नहीं, कुछ नहीं, तो उस चक्कर में, पर एक बार प्रैक्टिस करोगे तो मेरे हिसाब से उसमें ज्यादा कंसेप्ट है नहीं, चार पांच कंसेप्ट है, वही चलते रहते हैं, बट इसमें नंबर ऑफ कंसेप्ट ज्यादा है, तो थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना पड़ेगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हो गया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, थर्ड बैलेंस शीट, हालांकि अकाउंट नहीं है बट मैं लिख रहा हूं यहां पर। अब रिसिप्ट एंड पेमेंट की बात करें तो रिसिप्ट एंड पेमेंट इज जस्ट लाइक योर कैश बुक। कैश बुक बनाते थे ना हम लोग 11th में, दो साइड होती थी, एक डेबिट एक क्रेडिट। डेबिट में क्या आता था, पैसे का जाना आना, डेबिट साइड आता था आना, कैश एसेट है, एसेट का नेचर होता है डेबिट, आएगा तो डेबिट, जाएगा तो क्रेडिट। सेम इसमें होता है, पैसा आएगा तो रिसिप्ट साइड, जाएगा तो पेमेंट साइड। इनकम एंड एक्सपेंडिचर लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आपने फाइनल अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ा था, सेम उसी की तरह है। बैलेंस शीट सेम लाइक बैलेंस शीट, उसमें तो कुछ नया नहीं। अब सवाल ये है कि सर हम प्रॉफिट तो कमाएंगे नहीं, एनजीओ करेगी डोनेशन, यानी करेगी लोगों की मदद। अब लोगों की मदद करना, देखो ऐसा तो है नहीं कि मैं रास्ते में चल रहा हूं, मुझे रोड साइड कोई बेगर कोई भिखारी दिखा, मुझे उसकी हालत पे ठीक है तरस आएगा, तो ये तो है नहीं कि पूरा पर्स खाली कर दूंगा उस पर, थोड़ी देर में मैं उसके साथ बैठ जाऊंगा, फिर मुझे भी जरूरत पड़ेगी पैसों की, तो मैं भी तो उसको उतना ही दे सकता हूँ ना, तो मेरे पास कहीं से इनफ्लो होगा तो ही मैं आउटफ्लो करूंगा, तो मुझे किसी से मांगना पड़ेगा तभी मैं उनकी मदद करूंगा। हम खुद अपनी एक एनजीओ चलाते हैं, मेरे ख्याल से इसमें एक बार देख लेते हैं, वैसे लगता नहीं मुझे, क्योंकि वो लैपटॉप गया है ना, काफी दिक्कत है नहीं इसमें, छोड़ देते हैं। हम खुद एक अपनी एनजीओ चलाते हैं, तो एनजीओ में हम 7 मेंबर हैं, हर मेंबर अकाउंट में, यानी जो एनजीओ का अकाउंट है उसमें ट्रांसफर करेगा एक फिक्स अमाउंट, लेट्स से 5,000 पर मंथ, 35 आया, 15-20 हजार रुपये हमारे खर्च हो गए, हमारे ऑफिशियल एक्सपेंस में भी 15-20 हजार रुपये बच गए, नेक्स्ट मंथ फिर बचे, तो 2 महीने 3 महीने में हम लोग उससे डोनेशन कर देते हैं। डोनेशन में कुछ भी हो सकता है, छोटा मोटा किसी भी तरीके का, कहीं ऑर्फनेज में दे दिया, कहीं ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, कुछ भी इस तरीके से हम लोग कर लेते हैं, ये एनजीओ का पर्पस है। पैसा कहाँ से आया, डोनेशन से। लेकिन जब मेंबर खुद पैसा देता है, जैसे हमारे मेंबर्स हैं वो पैसा देते हैं हर महीने, उसे डोनेशन नहीं कहा जाता, उसे कहा जाता है सब्सक्रिप्शन। ठीक है, डोनेशन क्या होता है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन को अगर आप लोग, मैंने अपना व्हाट्सएप लगाया कि भाई मैं इस पर्पस के लिए इस दिन ये डोनेट करूंगा, कोई भी अगर पर्सन है जो कि विलिंग है वो डोनेट कर सकता है इस अकाउंट में या इस क्यूआर कोड पे। आप लोगों ने डोनेट किया, आप हैं आउटसाइडर, आप मेंबर तो नहीं है, वो कहलाएगा क्या, डोनेशन। हालांकि दोनों इंटरचेंजेबल वर्ड हैं, खासकर अगर मैं थ्योरेटिकली बात करूं तो सब्सक्रिप्शन को ही डोनेशन कह दिया जाता है। तो मेन अगर सोर्स ऑफ इनकम की बात करूं, मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर एनपीओ, तो वो क्या क्या होंगी, सब्सक्रिप्शन, किससे आती है ये, फ्रॉम मेंबर्स, दूसरा डोनेशन, किससे आती है ये, आउटसाइडर अदर देन मेंबर्स। और क्या हो सकती है,
होता है, एक वर्ड आएगा आपके सामने, लीगेसी, सुना है? हाँ जी, मैं भी बुलवा दिया, मैं क्या लेगेसी वो तो मुझे याद है, लेगेसी लिखा है पर उसका मतलब भूल गया ना। हाँ जी, डोने। अच्छा उसमें क्या था सीरीज में? वैम्पायर वगैरह। ये तो कोई नाम के साथ ही नहीं गया, वैम्पायर आ गया अरे इसमें तो। सर आप आगे बढ़ो सर, बेकार शो है। हाँ, चलो ठीक है, वो कह रहा बेकार है, मत देख लो। मैं वैसे भी नहीं देखता भाई। डोनेशन रिसीव्ड फ्रॉम या रिसीव थ्रू, ये इंग्लिश का आप देख लेना जो चार बार रिवाइज कर रखा है ना, कि कहाँ गलत है कहाँ सही। अरे आइए सर, कैसे हैं आप? पहुंच गए ठीक? इससे तो ट्रेन से आ जाते, बैठिए। तो आप फर्स्ट टाइम ही आए हो? अच्छा कोई बात नहीं, आराम करो, पानी पिलवाना भाई। हाँ, चाय वाय भी कुछ? ठीक है, स्कीम ही नहीं के लिए चाय वाली वगैरह मैं भी। करते हैं वेट करते हैं, कोई नहीं। आप सर लॉगिन करना पड़ेगा, कौन से स्क्रीन? तो उसी पे आएगी अभी, क्या इतनी दूर आया यार, फिर भी स्क्रीन उसी को देखनी हाँ सर पड़े। बता देते। फेस टू फेस मुझे देखने का मौका मिल रहा है आपको, और क्या चाहिए बताओ, मैं क्या करूं? नहीं, भाई उसके लिए अच्छा पानी पिएगा। अभी एक दो क्लासेस के बाद आ जाएगा वो, फिर इसके इसको लॉग इन नहीं कराएंगे। डोनेशन रिसीव्ड थ्रू विल, विल बोले तो ये दूसरी विल है, वसीयत वाली विल। हाँ, डेथ पर्सन, जो डिजीज या डाइड पर्सन है वो अपनी इच्छा से, कोई बड़ा आदमी मरा उसने कहा यार ठीक है मेरे बच्चों को कितना दूंगा। आईडी? आइडिया नहीं है भाई। अच्छा यार मैंने आपको बोला नहीं था, नानक जी आओ गुरुद्वारा। आराम से कर लो यार, बहुत टाइम है हमारे पास। अच्छा नहीं, पानी दे देना एक गिलास मुझे भी। सर बुलाना इसलिए जरूरी था ना कि नेक्स्ट क्लास से ऑफलाइन ही होगी, आना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। आगे सुन, आगे शुरू। एनपीओ चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा मैं बता दूंगा बाद में क्या है, अभी मैं मोटा मोटा बता देता हूँ। जो एनजीओ होती हैं, ट्रस्ट होती हैं, जो सोसाइटी के लिए काम करती हैं, वो इसमें आती हैं। एंड अभी हम लोग हैं कि एनजीओ को जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है वो कहाँ से आएगी? हाँ सब, कौन से फंड्स? हाँ वो गवर्नमेंट फंड्स की भी इन्होंने सही याद दिलाया, वो भी लिख लेंगे हम लोग। एक गवर्नमेंट फंड्स का भी इसमें ऑप्शन होता है, चैरिटी के थ्रू आती है। अब सब्सक्रिप्शन मैंने इसमें पहला लिखवाया, इसकी नहीं जरूरत पड़ेगी भाई, बोल तो मैं रही हूँ। नहीं कोई नहीं, मैंने तभी बोला देगा डीप ब्रेथ। हाँ जी, लेगेसी डोनेशन में कोई ज्यादा फर्क नहीं रहा, लिखवाना इसलिए जरूरी है कि 1 मार्क में आपके पास लेगेसी की डेफिनेशन आ जाती है। थैंक यू भाई। तो कोई मरता आदमी अगर अपनी इच्छा से अपनी वसीयत के थ्रू किसी भी एनजीओ को, एनपीओ जिसे हम कहते हैं, उसको कुछ भी डोनेट करता है, चाहे फंड करे, चाहे बिल्डिंग करे, कुछ भी करे, तो उसको लिगेसी कहा जाएगा, डोनेशन कहा जाएगा लिगेसी। सब्सक्रिप्शन जो आपको अपने मेंबर से मिलता है फिक्स अमाउंट, डोनेशन जो आपको अदर देन मेंबर से मिलता है, तीन चीजें तो ये हो गई। इसके बाद एक होती है ग्रांट्स, गवर्नमेंट ग्रांट्स होती हैं बेसिकली है, रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट, ये आपकी मेन सोर्स ऑफ इनकम है एनपीओ की।
नोट कीजिएगा एक बार, गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करती है। अगर उनको कोई अच्छा प्रोजेक्ट लगता है सोसाइटी के लिए तो वो ऐसा दिखावा करती है कि हमने ग्रांट दिया, आधा पैसा वो कैश में वापस भी ले लेती है। स्कूल स्कूल जाना होता है? अच्छा, स्कूल भी ओपन हो गए ना? सोचने को लगा कि स्कूल नहीं जा रहे तो हम 3-1 बजे रख लें क्लास। पेपर चल रहे हैं, चलो छोड़ देते हैं उस टॉपिक को। अब ऊपर मैंने आपको लिखवाया था कि फाइनल अकाउंट जो जो प्रिपेयर होंगे, जो एनपीओ प्रिपेयर करेगा, एक एक करके इसको डिस्कस करते हैं। पहले कौन कौन सा बनेगा, कैसे बनेगा। सबसे पहले क्या था? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। डेबिट साइड कैश बुक की तरह मैंने बताया ये बनेगा, रिसिप्ट अमाउंट, पेमेंट अमाउंट। एक बार ध्यान से सुन लेना, क्या था फिर नोट कर लेना। डेबिट साइड कैश की ट्रांजेक्शन आनी है इसमें, बैंक की ट्रांजेक्शन आनी है इसमें, पैसा आएगा, जो कैश आपको मिला वो डेबिट साइड आएगा, टू कैश इनफ्लो। ये पैसा करंट ईयर का भी हो सकता है, प्रीवियस ईयर का भी हो सकता है, नेक्स्ट ईयर का भी हो सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि करंट ईयर का पैसा होगा तभी यहां आएगा, नेक्स्ट ईयर का नहीं आएगा या प्रीवियस ईयर का नहीं आएगा, सारा आएगा, बस पैसा आना चाहिए। इसके अलावा साथ ही साथ ये पैसा कहां से आ सकता है, ये पैसा आपकी रेवेन्यू रिसिप्ट भी हो सकती है और ये आपकी कैपिटल रिसिप्ट भी हो सकती है। क्या फर्क होता है दोनों में, कौन बताएगा? हाँ बताइए। एग्जाम्पल जैसे मेरे लिए कोई एक ही बोल लो पहले। यार मेहनत करके तुम इतनी दूर आए हो, थोड़ी अपनी बात करनी है। हाँ जी, ये सब मैं घर पे ऑनलाइन पे कर रहा था। हाँ थोड़ी हमें पढ़ कर आया हूँ पहले करते कि मुझे क्या पढ़ाना है। हाँ जी, रेवेन्यू रिसिप्ट बेसिकली क्या था कि जो आपका रेगुलर बिजनेस की इनकम है, जैसे अगर मैं एनपीओ की बात करूं तो जो इनको सब्सक्रिप्शन मिलेगा, जो इनको डोनेशन मिलेगा, ये क्या होंगी उनकी रेवेन्यू रिसिप्ट। अगर मैं अपने इस बिजनेस की बात करूं तो जो मुझे स्टूडेंट से फीस मिलती है वो मेरी क्या है, रेवेन्यू रिसिप्ट, जो मेरी बिजनेस की इनकम है। कैश फ्लो की भाषा में बात करें तो जो हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी थी। डन। कैपिटल रिसिप्ट बेसिकली क्या है, जो हमको वंस इन अ वाइल मिलेगी, कभी कभार मिली, पैसा आया लेकिन हमारे रेगुलर बिजनेस का नहीं था। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपनी एनजीओ में कोई इन्वेस्टमेंट की हुई थी एनजीओ के नाम पे, वो बेच दी तो पैसा आ गया, वो रेगुलर तो नहीं होगी। अगर मैं यहाँ की बात करूं तो लेट से हमने कुछ भी बेचा, मतलब कोई एसी बेचा या कुछ ऐसा बेचा, वहां से पैसा आया तो वो हमारे रेगुलर बिजनेस इनकम नहीं है, वो कैपिटल रिसिप्ट है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कोई भेदभाव नहीं करता, पैसा आना चाहिए वो डेबिट साइड में नोट करेगा, ध्यान रखना इस चीज का। उसे कोई मतलब नहीं है वो करंट ईयर का है, नेक्स्ट ईयर का है, प्रीवियस ईयर का है, उसे कोई मतलब नहीं है वो रेवेन्यू नेचर का है या कैपिटल नेचर का, कोई मतलब नहीं है उसे, पैसा आना चाहिए बस। पैसा गया तो बाय साइड लिख दो,
बाय कैश आउटफ्लो, सेम चीज मैं यहां भी लिखूंगा, चाहे जो पैसा गया वो करंट ईयर का था, चाहे प्रीवियस ईयर का था, चाहे नेक्स्ट ईयर का था। बाहर मैम बैठी है, उनकी सैलरी मैंने 6 महीने, मतलब मैं तो कौन होता हूँ देने वाला, मान लो इंस्टीट्यूट ने 6 महीने से नहीं दी है, 6 महीने बाद हमने आज उनकी सैलरी दी, तो जो प्रीवियस 6 महीने की सैलरी है वो इस ईयर की मिला, इस मंथ की, सॉरी इस मंथ की मिला के साथ नेक्स्ट की भी दे दी मैंने, एक की 8, मैंने टोटल 8 महीने की सैलरी दे दी, पूरे 8 महीने का 8 महीने यहाँ आएगा, चाहे प्रीवियस ईयर का हो, चाहे करंट का हो, चाहे नेक्स्ट ईयर का, कोई फर्क नहीं पड़ता। डन है? फिर वही बोलूंगा, रेवेन्यू पेमेंट हो या फिर कैपिटल पेमेंट हो, रेवेन्यू पेमेंट हो या फिर कैपिटल पेमेंट हो। रेवेन्यू पेमेंट क्या होगी? इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना, अपने स्टाफ को सैलरी पे करना, ठीक है, ये सब क्या है? रेवेन्यू पेमेंट। कैपिटल पेमेंट क्या होगी? हमने कहीं इन्वेस्ट कर दिया, हमने कोई प्रॉपर्टी परचेज कर ली, वो कैपिटल पेमेंट। अच्छा, एक इसमें ऊपर बैलेंस डीडी भी आना था, ये ऊपर ही आना था, और लास्ट में मेरे पास बचेगा बैलेंस सीडी। ये बैलेंस सीडी मोस्टली बैलेंसिंग फिगर होगा आपके पास, और ये कहीं ना कहीं आपका कैश अकाउंट है। एक बार कंप्लीट कीजिए। दिविशा जी क्या सोच रहे हैं? दिशा सॉरी, नहीं होगा। नहीं होगा, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर, नाम से समझ आ रहा है, डेबिट साइड आपकी एक्सपेंस की है, क्रेडिट साइड आपकी इनकम की है। डेबिट साइड में बेसिकली क्या होगा, मैंने ऊपर लिखवाया था आपको कि जस्ट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो प्रॉफिट एंड लॉस में भी यही होता था, डेबिट साइड पे आपके खर्चे आते थे, क्रेडिट साइड पे आपकी इनकम आती है, वही चीज यहां चलेगी। टू यहां पे बेसिकली आपके अब वो खर्चे आ रहे हैं, दो चीजों का ध्यान रखना, एक तो करंट ईयर के होने चाहिए, एक रेवेन्यू नेचर के होने। सेम यही रूल अप्लाई होगा आपकी इनकम पे,
करंट ईयर की होनी चाहिए, रेवेन्यू नेचर की होनी चाहिए। यानी बेसिकली अगर मैं बात करूं तो ये करंट ईयर और रेवेन्यू रिसिप्ट, ये दोनों मिलाकर कहां चले गए? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। इसी तरीके से ये करंट ईयर और रेवेन्यू पेमेंट मिलाकर कहां चले गए? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। यही रूल होता था प्रॉफिट एंड लॉस में भी, आपका खर्चा वही बनता है जो आपका करंट ईयर का होता है। मान लो मैंने 13 महीने की सैलरी अगर पे करी अपने स्टाफ को, हाँ जी, अगर मैंने 13 महीने की सैलरी पे की अपने स्टाफ को, तो मेरी करंट ईयर में एक्सपेंस कितना बनता था? 12 महीने की सैलरी, और जो 1 महीना एक्स्ट्रा पे करी है वो क्या बनता था? एडवांस। वेरी गुड। एडवांस कहाँ जाता था? बैलेंस शीट में एसेट बनता था, खर्चा तो नहीं बना। सेम रूल यहां पर है, यही चीज इनकम पे अप्लाई करो। अगर मान लो मेरा काम है रेंट मिलना है मुझे या इंटरेस्ट मिलना है, मुझे 13 महीने का इंटरेस्ट मिला, इनकम कितनी रहेगी? 12 महीने। तो 1 महीने का एक्स्ट्रा मिला वो क्या बनती थी? लाइबिलिटी, एडवांस इनकम जिसको हम बोलते थे। और अगर मैं इसको ऐसे लेके चलूं कि मुझे किसी को 12 महीने की सैलरी देनी थी, मैंने सिर्फ 11 महीने की सैलरी दी, तो खर्चा कितने महीने का बनता था? गुड, तब भी 12 का ही बनता था। 1 महीने का क्या हो जाता था? आउटस्टैंडिंग, वो क्या बनती थी? लाइबिलिटी। सेम पॉइंट है यहां पर भी, यहां पर भी आउटस्टैंडिंग निकलेगा, यहां पर भी एडवांस ही निकलेगा। और वो आउटस्टैंडिंग वो एडवांस किसका पार्ट होगा? बैलेंस शीट का। यहां पर तो 12 महीने ही चलेंगे जैसे उसमें चलते थे। तो अगर आपने थोड़ा सा उससे लिंक कर कर समझ पाए तो चैप्टर हो जाएगा इजी। सिर्फ यही चीज है इसमें जो मैंने आपको बताई, जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस में पढ़ी थी। तो ये कहां जाएगी फिर? अब ये जो कैपिटल रिसिप्ट है ये कहां जाएगी, या प्रीवियस ईयर नेक्स्ट ईयर की है ये कहां जाएगी? ये बनेगा आपका बैलेंस शीट का आइटम। इसी तरीके से यहां पर जो ये प्रीवियस ईयर अब इनफ्लो है, पैसा अगर आया, कैपिटल नेचर का पैसा आया तो वो लाइबिलिटी बनती है। जब आगे बढ़ेंगे तो और बताऊंगा। अब इसी तरीके से अगर ये दोनों हैं, ये भी किसका आइटम है? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट नहीं कराऊंगा मैं आपको, बैलेंस शीट में तो जो फॉर्मेट था वही फॉर्मेट है, बैलेंस शीट बनवाने की जरूरत नहीं है मुझे। बड़े गंदे लोग हैं। कह रहा डियर फास्टैग यूजर, वी होप यू आर सेफ। बहुत दिनों से आपने कहा ही नहीं थी, ठीक है बात हुई। मतलब हम फास्टैग पे नहीं गए तो बचे नहीं हम, तो कोई बात नहीं। केशव, बात क्या? अब जैसे उसमें प्रॉफिट निकलता था वैसे ही यहां पर भी प्रॉफिट निकलेगा अगर इनकम साइड ज्यादा है। अगर इनकम साइड ज्यादा है तो आएगा सरप्लस, और इसको बोला जाता है एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, इसका दूसरा नाम है। और अगर एक्सपेंडिचर साइड ज्यादा है तो आएगा डेफिसिट, तो आएगा डेफिसिट, या फिर कहा जाएगा एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। ये दोनों ही बैलेंसिंग फिगर है, और कहने की हालत की मुझे जरूरत नहीं है कि दोनों में से कोई एक ही आएगा, दोनों तो आने से रहे। ठीक है जी, तो कुछ इस तरीके से आपके ये फाइनल अकाउंट्स हुए, रिसिप्ट एंड पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, थर्ड वन इज बैलेंस शीट, उसकी जरूरत नहीं है आपको, वही लाइबिलिटी अमाउंट एसेट अमाउंट चलेगा।
सवाल कैसा आता है क्वेश्चन में, मोस्टली जो क्वेश्चन देखा गया है या आपके पास जो आएगा 5 to 6 मार्क्स से ज्यादा की वेटेज का क्वेश्चन आने नहीं वाला, तो ये देखा जाएगा कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, बैलेंस शीट के भी चांसेस कम है क्योंकि एनपीओ थोड़ा सा बड़ा चैप्टर था, पहले 6 से 8 मार्क्स की वेटेज थी, 10 मार्क्स की हालांकि इसकी टोटल वेटेज थी तो उसमें कवर हो जाता था, अब चांसेस कम है, बट फिर भी हम लोग करके फुल फ्लेज क्वेश्चन चलेंगे। इसमें अलग अलग टॉपिक आएंगे, अब एक तो मैंने आपको मेन अकाउंट बता दिए, अब ये मेन अकाउंट के अंदर कैसे निकलेगा वो समझने वाली बात है, एक एक करके समझते हैं। जैसे कि एक टॉपिक है मेरे पास थोड़ा सा एक बार इसको भी देख लेते हैं, थोड़ा सा एक बार इसको पढ़ लेते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय एनपीओ, रेंडरिंग सर्विसेज टू इट्स ओन मेंबर और सोसाइटी विदाउट इंटेंशन ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। 109 अगर पुरानी बुक है, फ्रंट पेज दिखाओ। नहीं है, ठीक है वो खोलिए पूरे साल ये वाली, इस बार है नहीं है तो मेरी बुक नहीं है। अब बात तो सही है, इसको होगी नहीं शायद, कोई बात नहीं, करते हैं कुछ ना कुछ प्रबंध इसका भी, यहाँ भी देखनी पड़ेगी ना मुझे है कि नहीं है। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनपीओ, फाइनल अकाउंट कौन कौन से बनेंगे, रिसिप्ट एंड पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, बैलेंस शीट, इसके फीचर फीचर्स नहीं बता रहा मैं, कुछ अच्छा होगा तो बताऊंगा, ये तो आप पढ़ ही लोगे। अच्छा हाँ, थोड़ा सा ना इसको देख लीजिए एक बार, एक्सप्लेन द टर्म्स, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको देख लेना एक बार। एक आ रहा है आपके पास जहां से मैं पढ़ाऊंगा वो शुरू करना, लाइफ मेंबरशिप फी। लाइफ मेंबरशिप फी समझते हो ना, आप किसी की भी सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपके पास एक ऑप्शन आता है, जैसे आप किसी जिम की सब्सक्रिप्शन लेते हो आपके पास एक ऑप्शन आता है कि आप लाइफ मेंबरशिप फी पे कर दीजिए। लाइफ मेंबरशिप फी का मतलब ये कभी नहीं होता कि जब तक जिंदा रहोगे तब तक आते रहोगे, उसका एक टर्म होता है अपना, 10 साल 20 साल 25 साल कुछ भी हो सकता है, वो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग रखती है, तो अगर कभी ऐसा कहीं जाओ तो वहां पूछ लेना पहले, ये मत सोचना कि जब तक जिंदा रहेंगे तब तक यहाँ काम यूज कर सकते हैं, नहीं। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन ने आपसे लाइफ मेंबरशिप फी ली है तो उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो लाइफ मेंबरशिप फी बनेगी लाइबिलिटी। मेनली आपको ये समझना है कि क्या लाइबिलिटी है क्या इनकम, क्या ये रेवेन्यू नेचर की है, नहीं, ये कहीं ना कहीं कुछ कुछ एडवांस के जैसी है। जैसे आप लोगों से मैंने फीस ले ली लमसम एक बारी में, पढ़ाना पड़ रहा है मुझे लास्ट तक, अब पेपर अप्रैल मई तक जाएंगे तो मुझे पढ़ाना पड़ेगा वरना मार्च में खत्म हो जाते, तो ये मेरे ऊपर क्या है, एक लाइबिलिटी सच में है, मैं क्या करूं लास्ट में ले लेता, नहीं ठीक है। यही चीज ऑर्गेनाइजेशन के साथ है, अगर उन्होंने एडवांस में लिया है पैसा तो वो उनकी बनेगी लाइव। अगर हम बात करते हैं एंट्रेंस फीस, एडमिशन फीस, बताइए सर लाइबिलिटी कैसे बनेगी, फीस तो मेरे को अगर मैं एडमिट भी लेके देगी तो नहीं पड़ती ना। देखिए पहली चीज एंड का छोड़ दीजिए, और देने से नहीं लेने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से चलेगा चैप्टर, ठीक है। आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, आप एडमिशन लेते हैं, आपने उनसे लाइफ मेंबरशिप फी ली, लेट से 15 साल की, 15 साल के कुछ लाख बनते थे आपने ले लिए, क्या आपको उनसे अब रेगुलर फीस मिलेगी सर, बट जो रेगुलर मिलेगी वो एक साल मिलेगी ना। नहीं बट नहीं लगाइए ना, मेरे सवाल का जवाब दीजिए बस, काउंटर क्वेश्चन शार्क टैंक नहीं चल रहा है, मेरी बात का जवाब दीजिए बस। हाँ जी ठीक है, नहीं मिलेगी, हाँ लेकिन आपको मुझे सर्विसेज रेगुलर प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तो यानी कि कहीं ना कहीं आपने मुझसे पूरी लाइफ की फीस एडवांस में ले ली, और जब आपको कोई इनकम एडवांस में हो जाती है तो वो आपकी क्या बन जाती है, लाइबिलिटी। तो सोचा बताइए, सर्विसेज तो मैं ले ही होना। बिल्कुल, अगर प्रैक्टिकल की बात करते हैं तो क्लास 11th में आपने कंसेप्ट पढ़ा था मैचिंग कंसेप्ट, याद है, याद नहीं होगा, मैं याद दिलाता हूँ। मैचिंग कंसेप्ट ये कहता था कि आप जो सर्विसेज जिस ईयर में दे रहे हो
उसके अगेंस्ट जो पैसा मिला है वो भी उसी ईयर में इनकम शो होगी। अब अगर मैंने आपसे 5 साल के 5 लाख लिए हैं, क्या मैं उस 5 लाख को आज अपनी इनकम शो कर दूं प्रैक्टिकली एज पर मैचिंग कंसेप्ट? नहीं, मुझे उसे क्या करना पड़ेगा, हर साल दिखाना पड़ेगा। लेकिन मिले तो मुझे इस साल है, तो मैं इस साल क्या दिखाऊं लाइबिलिटी? 5 लाख की लाइबिलिटी शो की मैंने, अब क्या होगा उसमें से नेक्स्ट ईयर 1 लाख जो मेरे मैंने आपको सर्विस दे दी वो मैं इनकम बना दूंगा, तो मेरी लाइबिलिटी कितनी रहेगी? फिर 1 लाख गए तो कितनी रहेगी? ये प्रैक्टिकल अप्रोच है, तो प्रैक्टिकली भी ऐसे ही होता है, क्योंकि उसका कंसेप्ट यही है कि जब आप सर्विस दे रहे हो उसके अगेंस्ट में जो पैसा आ रहा है वो आपको उसी पीरियड में दिखाना है। ऑनलाइन नहीं है, यहाँ पता लग जाएगा टीचर को ध्यान नहीं है, प्रवचन नहीं है यार, सुनो कहीं और ध्यान लगाते हैं। एंट्रेंस या एडमिशन फीस बेसिकली इसके आगे हमने लिखा नहीं है कि ये लाइबिलिटी है या इनकम है, क्योंकि 99% आपको क्वेश्चन बताएगा कि ये आपको लाइबिलिटी ट्रीट करना है या कैपिटल रिसीव ट्रीट करना है या रेवेन्यू रिसीव ट्रीट करना है, ये आपको क्वेश्चन बताएगा। लेकिन अगर कुछ भी नहीं बता रखा तो आप इसको अपनी इनकम मान के चलेंगे। अगर क्वेश्चन एज्यूम है, साइलेंट है, तो आप ये एज्यूम करेंगे, अदरवाइज क्वेश्चन की बात सराखों पर, जो वो कह दे वो फाइनल। होता क्या है, एंट्रेंस फीस एडमिशन फीस देनी तो आपको वन टाइम ही होती है, लेकिन लाइफ टाइम के लिए नहीं देनी होती। आपने एडमिशन के लिए एंट्रेंस फीस दी है या एडमिशन फी दी है, उसके बाद जो सर्विसेज लेंगे उसकी आपको अलग से फीस देनी होती। अच्छा, डोनेशन दो टाइप की है, ये जनरल डोमेन लिखा है, नहीं ये जनरल डोनेशन होगा। डोनेशन दो टाइप की है, जनरल और स्पेसिफिक। जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा है कि जनरल डोनेशन का मतलब क्या है, कि हम मान लो मैं किसी के घर डोनेशन मांगने गया, ठीक है, डोनेशन देने वाले ने पूछा भाई इसका क्या करोगे, तो हमने कहा कुछ भी कर लेंगे, हमारी मर्जी है, तुम्हें क्या मतलब डोनेशन दो। क्या मैंने उसे कोई स्पेसिफिक पर्पस बताया? नहीं, मैं उसे कहाँ यूज कर सकता हूँ, जहां मेरी मर्जी होगी मैं वहां यूज करूंगा। वो क्या है मेरे लिए, जनरल डोनेशन, कहीं भी यूज कर सकता हूँ, इनकम बनेगी। स्पेसिफिक का मतलब क्या है, अगर उसने मुझसे पूछा कि भाई किस चीज की डोनेशन रेज कर रहे हो, तो मैं उसे बताऊंगा कि भाई बिल्डिंग रिकंस्ट्रक्ट करनी है हमको या रेनोवेट करनी है, तो फिर ये मेरी लाइबिलिटी है कि मैं उस पैसे को सिर्फ और सिर्फ वहीं लगा सकता हूँ। स्पेसिफिक डोनेशन क्या बनेगी, लाइबिलिटी। जनरल डोनेशन क्या बनेगी, इनकम। मैं समझा नहीं, स्पेसिफिक वाले का नहीं लगाए, वहीं लगाऊंगा मैं। मॉरल वैल्यूज में तो मैं उसके नकली बिल बनवाऊंगा और मैं पैसे घर ले जाऊंगा, वो अलग चीज है। डोनेशन या फिर डोमेन आगे क्या बात होगी, रिसीव नॉट फॉर एनी स्पेसिफिक पर्पस दैट इज वर्क साइड ऑफ यूज इट इज टेकन ऑन इनकम साइड, मेनली आपको इससे ध्यान रखना है कि करना क्या है इसका, कैन बी यूज फॉर एनी पर्पस। स्पेसिफिक डोनेशन रिसीव फॉर एनी स्पेसिफिक पर्पस इज नोन एज स्पेसिफिक, दिस डोनेशन कैन बी यूज फॉर पर्पस ओनली फॉर द पर्पस फॉर विच इट इज रिसीव लाइबिलिटी साइड। लीगेसी मतलब मैंने आपको बताया उसकी विल से जो पैसा आएगा, जनरल भी हो सकता है स्पेसिफिक। अगर जनरल है, मरने वाले ने मरते मरते बताया था कि भैया इस पैसे से बिल्डिंग ही बनाना, तो वहां मॉरल वैल्यूज भी काम नहीं करेगी, पता लगा वो आ गया कि भाई ये क्या करा, तो मैं उसका पैसा तो वहीं लगाऊंगा। तो अगर स्पेसिफिक है तो लाइबिलिटी और जनरल है तो इनकम। कुछ नहीं लिखा है तो आपको नोट डालना पड़ता है, आप कुछ भी मान सकते हो। अगर सिर्फ लिगेसी लिखा हुआ है तो फिर आपको नोट डालना है, कुछ भी लिख दो उसको, चाहे लाइबिलिटी में चाहे इनकम में। सब्सक्रिप्शन मैंने बताया था यथार्थ, आप जब लेट हुए थे थोड़े से, कि ये वो अमाउंट है जो पे करते हैं मेंबर एनपीओ के, हाँ एनपीओ के अंदर हम सब मेंबर्स हैं, हमने बन के एक एनपीओ बनाई है, एनजीओ बना, क्या करते हैं हाँ टाइम टू टाइम मीन्स हर महीने या क्वार्टरली या हाफ ईयरली जो भी हमने डिसाइड किया है, क्यों करते हैं, ताकि उनकी जो मेंबरशिप है वो अलाइव रहे, वो बची रहे, वरना उन्हें हटा देंगे। एक ही है, इसको आप पढ़ लेना, जिसने 4 बार रिवाइज किया इंग्लिश को पढ़ ले, क्या है क्या है ऐसे मतलब 4 बार पढ़ा है। एक इंग्लिश की बुक का तो नाम भी मिलता है ना इससे, ऑनोरेरियम।
ऑनोरेरियम ज्यादा मैं भी नहीं बोलूंगा, बेसिकली एक पेमेंट है और ये 1 मार्क में आता है, मार्क 1 इसको पूछ लेते हैं, इंपॉर्टेंट रहता है थोड़ा सा कि ऑनोरेरियम क्या है। ये बेसिकली क्या है, कई बार क्या होता है, अब तो कोविड चल रहा है या जैसा भी था, स्कूल्स में बुलाया गया, जैसे मान लो मेरे को स्कूल ने बुलाया एज अ करियर काउंसलर, चीफ गेस्ट में वो पैसे नहीं देंगे भाई, यहाँ पैसे की बात है। चीफ गेस्ट तो मुझे पैसे देके बोलना पड़ेगा भाई, मुझे चीफ गेस्ट बुलाओ, गेस्ट टीचर नहीं, मैं अभी बात करूंगा यहाँ पे करियर काउंसलिंग वाले जो आपके स्कूल्स में आते थे, ठीक है। तो ऐसे में गया, या कई बार आपने देखा होगा स्कूल में डॉक्टर आते हैं जो साल में 1 बार 2 बार जो आते हैं, उनको स्कूल वाले एक टोकन अमाउंट पे करते हैं, ठीक है, वो कितना है वो उनके आपस की बात है, लेकिन उसको जो ये स्कूल पे कर रहा है या ऑर्गेनाइजेशन पे कर रही है, क्या वो उसका एम्प्लॉय है? एज अ करियर काउंसलिंग अगर मैं जाता हूँ तो क्या मैं उनका रेगुलर एम्प्लॉय हूँ? नहीं। क्या वो डॉक्टर उनका रेगुलर एम्प्लॉय है? नहीं। तो ऐसे लोगों को जब ऑर्गेनाइजेशन पेमेंट करती है जो उनके रेगुलर एम्प्लॉय नहीं है, उनके ऑनर में कहीं ना कहीं पेमेंट हो रही है, तो वो ऑनोरेरियम कहलाता है, एक्सपेंस है, नॉर्मल एक्सपेंस है आपका। बस यही थे कैपिटल जनरेशन, ये एक आता है मेन सोर्स ऑफ इनकम, सब्सक्रिप्शन डोनेशन, लाइफ मेंबरशिप, गवर्नमेंट ग्रांट, अच्छा हाँ कोई भी हो सकता है, कोई भी ले सकते हो आप, लीगेसी भी डाल सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। डन। अब क्या हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे? नहीं करेंगे। अब मैं नेक्स्ट क्लास में, अब देखो हमारा किस हिसाब से चलेगा, एक टॉपिक आएगा जहां पर हमको सब्सक्रिप्शन कैलकुलेट करना है, तो हमारी 3 4 क्लासेस उसमें लगेंगी, 2 3 क्लासेस। फिर एक टॉपिक आता है जहां पर हमको स्टेशनरी या मटेरियल कंज्यूम कैसे निकलेगा वो कैलकुलेट करना है। जब ये दोनों कैलकुलेट हो जाते हैं तब जाके हम कहीं ना कहीं फाइनल अकाउंट्स पे पहुंचते हैं। अच्छा सर तभी तो आपको ट्यूशन की जरूरत पड़ी ना, स्कूल वाले ठीक करा दे तो हमें कौन पूछेगा? यूट्यूब वीडियो चला देते हैं यार, हमें भी ऐसी परमिशन होना, मैं अभी अपनी वीडियो चलाऊं, देखते रहो यार, सुबह सुबह सारे बोलते नहीं आप कुछ, मैं एक वीडियो चला दूं, अगली क्लास में बच्चे बोल देंगे सर क्या पढ़ा रहे हो। गुड। तो पैसे मिल रहे हैं आपको इसलिए कुछ तो पढ़ाओ। चलिए जी, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे सैटरडे को, थर्सडे को मैं शायद अवेलेबल नहीं हूँ, सैटरडे को होगी और फिर संडे को होगी, ऑफलाइन ही होगी, सैटरडे को भी ऑफलाइन है। क्या हो गया? नहीं ये अभी आपको अभी लग रहा है कोविड के बाद के डिफिकल्ट है, पहले ऐसे ही होता था, याद करो पुराने ऐसे बुलाते थे टीचर। क्लासिक गया यार, वैलेंटाइन खत्म कर, पढ़ लो अब यार, क्यों इन चक्रों में पढ़ रहे हो। चलिए सैटरडे मिलेंगे फिर संडे मिलेंगे। अब पूछिए हाँ, जो मर्जी पूछिए। तो एक बार सर उसके माँ पर।